हेलो एंड वेलकम बैक टू द फाइनल पार्ट ऑफ द मेकअप सीरीज. और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे हाइलाइटिंग एंड लिपस्टिक्स. आई एम यूजिंग द मेबेलिन का हाइलाइटर विद दिस फैन ब्रश. आपको नहीं, आप इसको एक छोटे से ब्रश के साथ भी कर सकते हो. और जो भी ना आपके हाई पॉइंट होगा ना, जैसे ये नाक के ऊपर यहाँ पर जो भी थोड़ा उठा हुआ आपके फेस पे, वहाँ पे आपको लगाना है. इसके बाद यहाँ पे, बिकॉज आई वॉन्ट मेरा फॉरहेड भी चमकना चाहिए एंड लिटिल बिट ऑल ओवर द फेस. ठीक है, क्योंकि मेरे को हाईलाइटर बहुत पसंद है एंड इट जस्ट एड्स अ वेरी गुड शाइन टू योर फेस. इसके बाद छोटे एरियाज में जाने के लिए, ओ येस, एंड दिस ब्रश वॉज F010. अब छोटे एरियाज पे पहुँचने के लिए एकदम प्रिसिजन से आई एम यूजिंग दिस छोटा वाला हाईलाइटर ब्रश. दिस इज पता नहीं उसका, हाँ, E001. सबसे पहले ब्राउ. Did you see that? Okay, look, इसमें है और इसमें नहीं है हाइलाइटर. And then यहाँ यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ चिन एरिया. इफ यू वॉन्ट देन यू कैन डू दिस, थोड़ा सा लेकर इनर कॉर्नर ऑफ योर आईज पर आप लगा सकते हो. एंड इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, विच इज़ माई मेकअप फिक्सिंग स्प्रे अगेन. ऑलराइट, ये मेक श्योर करेगा कि आपका फेस सेट रहता है. अगर मेरा कोई ऐसे यहाँ तक डीप नेक ड्रेस होता तो मैं वहाँ पे भी हाइलाइटर लगाती. ठीक है, बेसिकली लाइट जहाँ पड़ेगा तो जो आपके जो उभरे हुए एरियाज हैं वो शाइन करने चाहिए. हाइलाइटर का मेन पर्पस ही, अगेन यूजिंग द डैम ब्यूटी ब्लेंडर. डैम मतलब क्या होता है ना, आपको आपने इसको पानी में भिगोया, ये डबल द साइज हुआ, फिर आपने निचोड़ लिया, फिर इसको एक सूखे कपड़े में वापस से निचोड़ लिया, वो होता है डैम. तो आई यूज डैम्प ब्लेंडर्स. जो अभी डैम्प ब्लेंडर्स का बहुत फैशन चला, बट आई नेवर लाइक्ड यूजिंग वेट ब्लेंडर्स. आई ऑलवेज लाइक्ड यूजिंग डैम्प ब्लेंडर्स. तो यस, इसीलिए कोई भी चीज़ जो फैशन में आती है ना, हो सकता है कि वो आप पहले से कर रहे हो पर आपको वो करेक्ट टर्म नहीं पता हो. एंड देन आई विल बी यूजिंग दिस पिंक लिपस्टिक. ऑल्दो आई कुड हैव यूज्ड रेड, बट बहुत बहुत रेड हो जाता है मेरे चैनल पे, इसीलिए पिंक. ये जो लिपस्टिक है ना, ये ड्राइज वेरी क्विकली. और सबको पता है कि मुझे रेड कितना ज्यादा पसंद है, बट दिस लिपस्टिक लुक्स वेरी गुड ऑन मी एंड इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, सुपर सुपर फेवरेट्स. So this is how I finally look after my hairstyle and earrings and bindi. Do tell me, how do you like this look? Because obviously mera bahut man tha ki main iske sath red lipstick lagaun, because red supremacy, you know. Mereko red se zyada acha kuch nahi lagta, but bahut zyada red ho jata tha mere channel pe, isliye I changed my lip color to this bright pink. This is one of my favorite lipsticks, one of my favorite lip colors and lip formulas. ओके, तो आप प्लीज़ बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, ये सीरीज़ कैसा लगा, सारे पार्ट्स कैसे लगे. एंड डू टेल मी इन फ्यूचर आप किसी भी लुक का ऐसे ब्रेक डाउन करके देखना चाहेंगे कि नहीं. एंड दैट इज़ इट. आई होप ऑल ऑफ यू स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और जाने से पहले, अ कफ्स एंड लैशेज ब्रशेज रिव्यू इज़ कमिंग सुपर सून. वैसे तो आप लोग देख ही चुके हैं कि वो ब्रशेज कैसे परफॉर्म करते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में, बट थोड़ा सा और डिटेल में जाने के लिए एक और रिव्यू आने वाला है. सो प्लीज़ वेट फॉर दैट. एंड दैट इज़ इट. आई होप यू लाइक दिस, बिकॉज इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम टू शूट, इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. एंड प्लीज़ उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए लुक एट दिस वीडियो. थोड़ी कहीं भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ नेग्लेक्टेड, ऑल्दो वी हैव ट्राइड आर लेवल बेस्ट कि कहीं से भी कोई एरर ना हो. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. विल मीट सुपर सून. बाय बाय.